बता दें आपको, पटना बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार बदमाशों ने अजय शाह को गोली मारी है। पटना के बजरंगपुरी इलाके की अब पूरी वारदात बताई जा रही है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। दरअसल राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव जारी है। ताजा मामला पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के बजरंगपुरी इलाके का है, जहां बाइक सवार दो अपराधियों ने बीजेपी नेता और दूध विक्रेता की दुकान में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी और बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। वहीं हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम और पटना सिटी एएसपी ने पूरे मामले की छानबीन की है। वहीं परिजनों का कहना है कि अजय शाह अपनी दुकान पर बैठे थे और तभी अचानक बाइक पर सवार दो अपराधी ब्रेड खरीदने के बहाने दुकान में घुसे और फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें गोली लगने से दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गए और इसे इलाज के लिए NNCH में ले गया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में गहनता से जुटी हुई है। जो आलमगंज थाना अंतर्गत बजरंगपुरी है, उधर एक दुकानदार को गोली लग गई है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर इस पर जांच शुरू किया गया। इस पे जो विक्टिम है उसका नाम अजय कुमार है, जो इधर दूध का जो दुकान चलाता है, उसको अभी दो अपराधकर्मियों द्वारा जो बाइक में आया है वो दुकान के सामने गाड़ी खड़ा करके उसको गोली फायर किया गया है। इस पर अनुसंधान शुरू किया है, FSL टीम को भी बुलाया गया है और अपराधकर्मियों का पहचान करके तुरंत गिरफ्तारी भी किया जाएगा। और पटना में बेखौफ अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, राजधानी पटना में बीजेपी नेता और रेडी बूथ संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घट पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं उत्कर्ष की ओर। उत्कर्ष, देखा जा रहा है कि लगातार बिहार में जो आपराधिक ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है और इस दौरान अब बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी और अपडेट? और बिल्कुल नैना, देखिए जो तस्वीरें बिहार से नजर आ रही हैं, ये कहा जा सकता है कि अपराधी जो हैं वो बेखौफ हो गए हैं। चाहे वो पटना हो, राजधानी की बात हो या फिर बिहार के अन्य जगह हो, तमाम जगहों पर ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। अब देखिए, बीते दिन पटना सिटी में जो घटना हुई है, अजय शाह की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जो अपराधी हैं वो बाइक सवार पहुंचते हैं और अंधाधुंध गोली चलाते हैं। ऐसे में जो बीजेपी नेता है अजय शाह, उनकी मौके पर ही कह सकते हैं कि जो है उनकी मौत हो जाती है। वो तस्वीरें, CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पता चल रहा है किस तरीके से उन पर गोली चलाई गई है। एक तरफ जहां सरकार सुशासन की बात करती है, मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि बिहार में अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन केवल पटना की ही घटना नहीं, कई जगहों पर ऐसी घटनाएं आती हैं। कहीं पर दिन दहाड़े पूर्णिया में सोने व्यापारी को लूटा जाता है, कई जगहों पर कहा सकता है कि लूट जैसी घटनाएं होती है, बैंक डकैती होती है। और राजधानी पटना भी अब सुरक्षित नहीं है। पटना सिटी के आलमगंज इलाके में अजय शाह की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उस वक्त ये हत्या होती है जब वो अपने दुकान पर बैठे रहते हैं। आमतौर पर दूध संचालक हैं वो, उनकी डेयरी भी चलती है, इस वजह से वो अपने दुकान पर बैठे थे और उसी वक्त बेखौफ अपराधी आते हैं और उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, जिसके बाद मौके पर उनकी मृत्यु हो जाती है। और अब पुलिस जो है वो छानबीन में जुट गई है। लेकिन एक तरफ जहां ये घटना होती है तो दूसरी तरफ अब इस पर राजनीति भी तेज हो जाती है, क्योंकि बीते दिन ही नैना बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने ऐसी 43 बातें रखी थी सोशल मीडिया एक्स पर और बताया था किस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार सुशासन की बात करती है लेकिन ये सुशासन धरा तल पर नहीं दिखता। इस घटना के बाद कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि बिहार में अपराधी का बोलबाला है और अपराधियों का ही कह सकते हैं कि इस वक्त तांडव चल रहा है, क्योंकि हर जगह पर इस तरीके की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह से उत्कर्ष, बीते कई दिनों से देखा गया कि लगातार एक के बाद एक कई बड़े लोगों की हत्या हुई है और ऐसे में एक बार बीजेपी नेता की हत्या, और क्या लग रहा है कि प्रशासन अपराधियों को लेकर कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठा रही है? The
अब बिल्कुल देखिए, जो तस्वीरें पटना से नज़र आई हैं और पूरे बिहार की अगर बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर ये तस्वीरें नज़र आई हैं और ये कहा जा सकता है कि अपराधियों का बोलबाला है, क्योंकि पटना ही नहीं बिहार के अन्य इलाकों में ऐसी तस्वीरें आई हैं। पूर्णिया में सोने व्यापारी को लूटा जाता है, इसके अलावा अगर भागलपुर की बात की जाए तो वहाँ पर हत्या होती है, बेगूसराय में हत्या होती है, समस्तीपुर में हत्या होती है, ऐसी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपराधिक घटनाएँ जो हैं वो काफ़ी तेज़ हो गई है और अपराधी जो हैं वो सक्रिय हैं। बावजूद इसके सरकार का ये कहना है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जो तस्वीर कल आई है वो कहीं ना कहीं डराने वाली है, चौंकाने वाली है कि जब राजधानी पटना सुरक्षित नहीं तो बिहार के अन्य इलाके कैसे सुरक्षित रहेंगे।